जय श्री राम। प्रेम से बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय। आज के वीडियो में हम बता रहे हैं, जी हाँ, बागेश्वर धाम कैसे जाएं, कब जाएं, कहाँ से जाएं, कहाँ रुकें, पूरा पता, कहाँ पर खाना खाएं, कहाँ पर दवाई फ्री मिलती है। आइए आज की वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताते चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पहले पूरी डिटेल सुन लीजिए। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार में पहला टॉपिक आता है कहाँ जाएं। बागेश्वर धाम सरकार के धाम पे अगर आपको कहीं की भी ट्रेन से आना है, कहीं से भी आना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हम जब लाइव आएंगे तो आप हमसे कमेंट लाइव में पूछ सकते हैं, भैया हमें वहां से ट्रेन कैसे मिलेगी, कैसे बागेश्वर धाम जाएं। ठीक है, बागेश्वर धाम पहुंचोगे कहीं से भी आओगे तो दो रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। कौन कौन से? छतरपुर खुजराहो, छतरपुर खुजराहो, दोबारा सुन ले, छतरपुर खुजराहो। और यहाँ पे कहीं को दर्शन करना, दूरियागंज भी ट्रेन रुक जाती है। ठीक है, दूरियागंज ट्रेन रुक रही है, उसके बाद आप क्या करोगे, या छतरपुर से आपके 50 रुपए लगेंगे बागेश्वर धाम सरकार गड़ागांव में के, और या खुजराहो से बैठोगे तो वहां से भी 50 रुपए लगेंगे खुजराहो के रेलवे स्टेशन से। ठीक है, गड़ागांव बागेश्वर धाम सरकार के, और दूरियागंज से उतरोगे तो वहां से आपके कुल 10-20 रुपए लगेंगे। ठीक है, और बागेश्वर धाम में पहुंच जाओगे। अब बागेश्वर धाम में हम पहुंच गए, अब सुनिए पहुंचने के बाद रुके कहां पर, रुकने की आपको व्यवस्था बताए। बागेश्वर धाम सरकार पे अनेक प्रकार के ढाबे हैं, अनेक प्रकार के घर हैं, अनेक प्रकार के होटल हैं, तो वहां पर आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जैसे आपके पास बजट है वैसे ही आप रुक सकते हैं। आपके पास फ्री सेवा आपको बिल्कुल हो, आप धर्मशाला में रुक सकते हो, गुरुदेव की अन्नपूर्णा के आगे भी धर्मशाला है, और अन्नपूर्णा में भी सो सकते हो, यशशाला के पास भी आप सो सकते हैं। ठीक है, अब आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आपके अच्छे खाते पीते हो, थोड़े नॉर्मल परिवार से, तो आप 50 रुपए लगते हैं, ढाबे में रुक सकते हो, और 10 रुपए नहाने के जाते हैं, 10 रुपए उसके जाते हैं। आप उससे ज्यादा VIP हो तो आप कमरा ले सकते हैं 400-500 रुपए का, और ज्यादा VIP हो तो 1000 रुपए का कमरा ले सकते हैं, जिसमें कूलर भी लगा हुआ होगा और आपके लिए सब कुछ सुविधा होगी, आपका किचन विचन और भी होगा, और अच्छे से सुविधा आप रहना चाहते हो तो आपको ये छतरपुर या खुजराहो, या आप गंज में जाकर ये AC वाला कमरा भी ले सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा। ठीक है, अब ये आपको बता दिया। अगर आपको खाने के लिए पैसे नहीं है तो निष्कुल भंडारा चलता 12 बजे से 3-4 बजे तक सुबह, और रात्रि को 7 बजे से और रात के 12 बजे तक आप निष्कुल भंडारा पा सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार गड़ागांव में। जी हाँ, हमारे गुरुदेव की तरफ से निष्कुल भंडारा 2 बार चलता है, और आप भंडारा पा सकते हैं, और वहां पर कोई ना कोई भंडारा करते रहता है, आपको वैसे भी खाने पीने की चीजें मिलती रहती मिल जाएगी। अब अर्जी कैसे बांधे ये देख लीजिए। अर्जी आप क्या करें, बागेश्वर बालाजी में नारियल ले लें सूखा, और उसको लाल कपड़े में, पीले कपड़े में, या काले कपड़े में, जैसे अर्जी है सफेद कपड़े में वैसे कपड़े में अर्जी ले लें, और 21 परिक्रमा लगा कर बागेश्वर बालाजी में बांध दें। ठीक है, रुक जाओ, बागेश्वर बालाजी में बांध के लिए, उसके बाद क्या होता है, अर्जी आपकी स्वीकार हो जाएगी, बागेश्वर बालाजी कृपा करना प्रारंभ कर देंगे। और इसके बाद आपको क्या आता है, दवाई। अगर बाय चांस आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके पास पैसे नहीं है, तो देखिए कार्यालय नंबर 3, या आप वहां से कार्यालय में से दवाई ले सकते हैं, और ना तो कैंप लगते रहते हैं, वहां से फ्री सेवा दवाई ले सकते हैं बागेश्वर धाम में। ठीक है, आप फ्री सेवा वहां पर रहें, फ्री सेवा खाना, फ्री सेवा सोना, फ्री सेवा नहाना, फ्री सेवा दवाई, सब कुछ फ्री मिलती है बागेश्वर धाम सरकार गड़ागांव में हमारे गुरुजी की कृपा से। और आपको बड़ी बात बता, मैं आपको बड़े से बड़ा कैंसर है किसी प्रकार का भी, तो कैंसर की दवा भी हमारे गुरुदेव के राम दरबार में निःशुल्क फ्री मिलती है। जी हाँ, और आपका कैंसर हॉस्पिटल बहुत बड़ा बनने वाला है, और आप कोई भी दान दक्षिणा देना चाहते हैं तो किसी के मोबाइल पर या किसी के भी प्रकार के दान दक्षिणा न दे, मैं खुद ही एक साल धाम पे जाऊँ, उसमें दान पेटी में डालिया मैं, या कार्यालय में संपर्क करें, या बागेश्वर धाम सरकार के कार्यालय के नंबर पर कॉल करें। ठीक है, ये अपडेट थी पूरी, और अगर किसी चीज़ की टूट रही होगी, कैसे जाएं, क्या करें, कहाँ रुकें, सब मैंने आपको डिटेल बता दी, पूरा पता, पूरा एड्रेस बागेश्वर धाम सरकार का। तो आज के वीडियो में यही था, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। जय जय श्री राम बोल के जरूर जाना। इसकी मेमोरी बढ़ गई यार, और फिर डब है।